हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो ये चैप्टर बात करता है क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये जो चैप्टर ये सेक्शन 11 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 26 तक जाता है। तो इसके सारे सेक्शन जो है हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 11, जो कि हमें पूरे 19 प्रकार के रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में बताएगा। तो हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि कौन से रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर आता है, इनकी रैंक्स क्या क्या हैं और कितने रेवेन्यू ऑफिसर है। क्योंकि क्वेश्चन ये बनता है, एक अथॉरिटी दी जाती है क्वेश्चन में और पूछ लिया जाता है कि ये रेवेन्यू ऑफिसर है नहीं। तो अगर हमें पूरे 19 रेवेन्यू ऑफिसर्स पता हो तो हम उसमें एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने सेक्शन 11 को पढ़ने से पहले रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि दी गई है सेक्शन 2U में। तो सेक्शन 2U बोलता है कि रेवेन्यू ऑफिसर इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड मीन्स अ रेवेन्यू ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दैट प्रोविजन। तो सीधी बात है कि रेवेन्यू ऑफिसर एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो आने वाले चैप्टर्स में जहाँ जहाँ पावर्स दी हैं और उनको फंक्शन करने का डायरेक्शन दिया गया है, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर वहाँ पे फंक्शन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 और समझते हैं इनकी कौन से रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनकी रैंक्स क्या क्या है। पर सबसे पहले सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें बताएगा कि जितने भी 19 रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किसके कंट्रोल के अंदर होंगे, वो होंगे स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर। तो सीधी बात है कि अगर ये रेवेन्यू ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है तो इनको कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो सेक्शंस दिए गए इनके सामने, इन सेक्शंस में इन रेवेन्यू ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट दिया है और अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहला जो ऑफिसर आता है, सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर। इसका जो अपॉइंटमेंट है ये दिए गए सेक्शन 13A के अंदर। ओके, फिर इसके नीचे आता है कमिश्नर। कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट दिया है सेक्शन 14 के अंदर और साथ ही साथ एडिशनल कमिश्नर, इनका अपॉइंटमेंट दिया है सेक्शन 15 के अंदर। फिर ये जो है, ये कैटेगरी आती है कमिश्नर की, स्पेशल कमिश्नर्स। तो इनके नाम से हम समझ जाएंगे, कमिश्नर फॉर लैंड रिकॉर्ड। इनका काम क्या है, लैंड रिकॉर्ड मैनेज करना और लैंड सर्वे करवाना। इनका जो अपॉइंटमेंट है ये इस चैप्टर में नहीं दिया है, सेक्शन 62 में दिया है, सेक्शन 63 में दिया गया है। ओके, फिर आता है इसके नीचे वाले रेवेन्यू ऑफिसर, ये है कलेक्टर। तो कलेक्टर का अपॉइंटमेंट दिया है सेक्शन 16 के अंदर और एडिशनल कलेक्टर का अपॉइंटमेंट दिया है सेक्शन 17 के अंदर। तो ये टोटल हमने 7 रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में समझ लिया है कि ये कौन कौन है। तो सबसे ऊपर आता है प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफिसर, फिर कमिश्नर फॉर लैंड रिकॉर्ड, फिर कलेक्टर और इनके अपॉइंटमेंट्स की सेक्शन। तो हमने सेक्शन 16 और सेक्शन 17 के अंदर कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर का अपॉइंटमेंट देख लिया है। फिर उसके बाद आता है 8th नंबर पे डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। तो जब भी कलेक्टर सर्वे से रिलेटेड कुछ भी काम करता है तो कलेक्टर ही को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर का अपॉइंटमेंट दिया है सेक्शन 65 के अंदर। फिर आता है 9th नंबर पे सब डिविजनल ऑफिसर, जिसे हम SDO भी कहते हैं। तो सेक्शन 22 हमें बताता है कि कलेक्टर के पास ये पावर है कि वो किसी भी असिस्टेंट जॉइंट या डेप्यूटी कलेक्टर को क्या कर सकता है, सब डिविजनल ऑफिसर बना सकता है। ओके, फिर सेम कहानी आती है डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर की। तो जब भी SDO सर्विस रिलेटेड काम करता है तो SDO को ही हम डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर बोलते हैं। तो डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर का भी अपॉइंटमेंट सेक्शन 65 के अंदर दिया है। फिर आते हैं असिस्टेंट जॉइंट और डेप्यूटी कलेक्टर, इनका अपॉइंटमेंट दिया है सेक्शन 18 के अंदर। फिर बढ़ते हैं हम तहसील के लेवल पे, जिसमें सबसे पहला रेवेन्यू ऑफिसर है तहसीलदार। तहसीलदार इस लिस्ट में 15th रैंक पे है, 15th रैंक रेवेन्यू ऑफिसर है, जिनका अपॉइंटमेंट सेक्शन 19 के अंदर दिया गया है। साथ ही साथ आते हैं एडिशनल तहसीलदार, उनका भी अपॉइंटमेंट सेम सेक्शन 19 के अंदर ही दिया हुआ है। फिर एक अलग से एक बॉडी आती है असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, जिनका अपॉइंटमेंट सेक्शन 65 के अंदर दिया गया। तो जब तहसीलदार सर्वे से रिलेटेड काम करते हैं तो तहसीलदार को ही हम क्या बना लेते हैं, असिस्टेंट तहसीलदार। तो हमने ये देख लिया कि कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर होता है, SDO जो होता है सब डिविजनल ऑफिसर, वो डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर होता है और तहसीलदार
असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, ओके, इनका बस नाम चेंज हो जाता है, पोजीशन एक ही है। फिर अलग से एक बॉडी आती है सुपरिटेंडेंट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जिनका अपॉइंटमेंट सेक्शन 20 में है, साथ ही साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड सेक्शन 20 सेम सेक्शन के अंदर इनका भी अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। तो इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड काम करते हैं और सुपरिटेंडेंस की पावर रखते हैं लैंड रिकॉर्ड के, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ओके। और फिर लास्ट रेवेन्यू ऑफिसर आता है नायब तहसीलदार, तो नायब तहसीलदार का अपॉइंटमेंट दिया है सेक्शन 19 के अंदर। तो गाइस ये थी सेक्शन 11 के अंदर सारे 19 रेवेन्यू ऑफिसर्स, जिसमें हमने सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 22 तक सारे सेक्शन कवर कर लिए हैं। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 23। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बात करता है रेवेन्यू ऑफिसर के सबऑर्डिनेशन की, कि मतलब कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर के अधीनस्थ होगा, सबऑर्डिनेट होगा। तो सेक्शन 23 सीधी बात करता है कि SDO के नीचे जितने भी, मतलब जिस सब डिवीजन के अंदर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सब डिविजनल ऑफिसर के। और जो ये नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार किसके अधीनस्थ होगा, किसके सबऑर्डिनेट होगा, ये तहसीलदार के अधीनस्थ होगा। तो ये था सेक्शन 23। बचे हमारे सेक्शन तीन सेक्शन, सेक्शन 24, 25, 26। तो आइए उसे बेरेक्ट से हम क्लियर कर लेते हैं। तो सेक्शन 24 बात करता है कंफरल बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑन एनी पब्लिक सर्वेंट और लोकल बॉडी। तो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है सेक्शन 24 के अंदर कि 19 रेवेन्यू ऑफिसर्स के अलावा भी किसी पब्लिक सर्वेंट या लोकल बॉडी को रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर दे सकता है और रेवेन्यू ऑफिसर बना सकता है। पर इसमें कुछ प्रोविजो के अंदर पावर्स दी गई है जो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को पावर्स यूज करने के लिए नहीं दी जा सकती। फिर आता है सेक्शन 25 बात करता है पावर एक्सरसाइजेबल ऑन ट्रांसफर। तो अगर किसी रेवेन्यू ऑफिसर को एक डिस्ट्रिक्ट या तहसील से दूसरी डिस्ट्रिक्ट या तहसील पे ट्रांसफर कर दिया गया तो क्या उसकी पावर्स चेंज हो जाएगी? तो सेक्शन 25 बोलता है कि उनकी पावर्स चेंज नहीं होगी। और फिर लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन 26 जो कि बात करता है कलेक्टर इन केस ऑफ टेम्प्ररी वैकेंसी। तो अगर कलेक्टर की डेथ हो जाती है या वो कुछ कोई अदर रीज़न की वजह से अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टेम्प्ररली किसी भी ऑफिसर को कलेक्टर बना सकता है और जब तक वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, जब तक स्टेट गवर्नमेंट एक नया कलेक्टर अपॉइंट ना कर दे। फिर रेवेन्यू ऑफिसर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो हायर सबसे ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर की रैंक है प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफिसर, उसकी सेटिंग कहाँ पे है? तो प्रीलिम्स में शायद क्वेश्चन आ जाए तो आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है भोपाल। भोपाल के हेडक्वार्टर में प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफिसर अपनी सेटिंग रखता है। साथ ही साथ एक सेक्शन और हमसे छूट गया है सेक्शन 30 जो कि बात करता है पावर टू ऑल्टर क्रिएट और अबॉलिश डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन एंड तहसील। तो जैसे कि आप सबको पता हो कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल डिवीजन्स है 10 और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है 52। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास सेक्शन 13 के अंदर ये पावर है कि वो किसी भी डिवीजन की जो किसी भी डिवीजन को अबॉलिश कर सकता है, समाप्त कर सकता है और या तो किसी भी डिवीजन की जो सीमाएं होती है, लिमिट्स होती है, उसमें कुछ बदलाव ऑल्टरेशन कर सकता है। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट किसी भी नए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण कर सकता है और या तो किसी पुराने डिस्ट्रिक्ट को समाप्त कर सकता है। इसी सेक्शन की पावर यूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू डिस्ट्रिक्ट 52nd डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा निवारी डिस्ट्रिक्ट, उसे ऐड किया था। और जो इंडिविजुअल्स हैं हम वो ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 13 के अंदर अपनी पावर यूज़ कर रही है। तो गाइज ये थे सारे सेक्शंस चैप्टर 3 के और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये बोर्ड वर्क यूज़फुल लगता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक क्लियर फोटोज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 5 की अपील रिव्यू रिविजन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।